सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज 12 पार्ट्स। वी हैव कंप्लीटेड असर्टिव सेंटेंस एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टुडे वी शैल डिस्कस इम्परेटिव सेंटेंस। तो सभी चैंपियंस, ऑल चैंपियंस, ऑल चैंपियंस कम विद मी and command over direct and indirect speech. Okay. Imperative sentence. बच्चा ध्यान देगा, imperative sentence क्या है? I am P-E-R-A-T-I-V-E. Imperative sentences. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इसके क्या रूल्स हैं, उस उनको जानने से पहले, बिफोर देन वी मस्ट नो व्हाट इम्परेटिव सेंटेंस इज। ओके, वी कैन से दोज सेंटेंसेस, दोज सेंटेंसेस, दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस, which express the mood of request, order, suggestion, okay, advice, command, or treaties, entities, treat लिखते हैं ना, treat, treaties लगाओ, treaties इन लगा दो, एंटिटीज। ये थोड़ा मीनिंग आपके लिए हल्का सा लग हो सकता है। इसका मतलब होता है, अभी आप लिखें, बताते हैं इसको, इसकी मीनिंग अगर जानना चाहेंगे तो इसकी मीनिंग होती है विनती। क्या होती है? विनती करना। क्या करना? विनती करना। विनती क्या होता है? विनती करना होता है, ठीक है, विनती, याचना, ये होता है एंटिटीज का मतलब। दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द मूड ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, कमांड और एंटिटीज, ईटीसी एटसेट्रा आर नोन imperative sentences, ओके? तो आपने क्या जाना? ऐसे sentences जिनसे request, order, advice, suggestion, बच्चों ये सारे mood express होते हों, those sentences are non imperative sentences, ओके? इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से कैसे दिखते हैं? V1 लगा होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है किसकी? इम्परेटिव सेंटेंसेस की। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं आपको? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच लिखा जाएगा उसकी इन्वर्टेड कॉमा में यदि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि दी हुई सेंटेंस इंपरेटिव है या नहीं, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच जब चेंज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसलिए फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये ऐसे भी हो सकता है, डू नॉट,
प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस वो इस प्रकार आपको दिख सकती है। ओके, थर्ड प्लीज, ओके, काइंडली एंड सर, मैडम प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये स्ट्रक्चर भी इंपरेटिव सेंटेंसेस की होती है। माय डियर चैंपियंस, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। यदि ऐसा आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है तो यू कैन से द गिवन सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, डू नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लीज, काइंडली, है ना, सर, मैडम एंड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। यदि ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है। नो, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर एग्जांपल देखना बाकी है। एग्जांपल्स कैसे दिखते हैं ये सेंटेंस, तो देखें एग्जांपल में फर्स्ट वन, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस बिकॉज ओपन इज वर्ब और द डोर इज, द डोर इज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे भी होता है जैसे डू नॉट स्पिट, एस पी आई टी, स्पिट हियर, डू नॉट स्पिट हियर, स्पिट का मतलब बच्चों होता है थूकना। क्या करना, थूकना। ये ज्यादातर जब जो पब्लिक बिल्डिंग होती हैं वहां पर लिखा रहता है, प्लीज डू नॉट स्पिट हियर। थर्ड वन ऐसे भी दिखता है, प्लीज हेल्प द, प्लीज हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स इन इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, ऐसे भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो इंपरेटिव सेंटेंस। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा हो तो इसको थोड़ा रिमूव करके थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ओके, ऊपर लिख देते हैं, जैसे इधर है प्लीज हेल्प द नीडी, यूं लिख दीजिए, प्लीज हेल्प द नीडी। ये स्ट्रक्चर भी, ये सेंटेंस भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। यानी फर्स्ट वन ये, सेकंड दिस, थर्ड वन दिस। काइंडली वगैरह से होता है, काइंडली, काइंडली इश्यू आई डबल एस यू ई, काइंडली इश्यू मी माय डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट्स, काइंडली इश्यू मी माई डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इंपरेटिव होते हैं, इन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य भी हिंदी में कहते हैं। ओके, आप वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चों आप समझे इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे सेंटेंसेस जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, एंटिटीज ईटीसी का भाव प्रकट होता है उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, एंड
अब बात आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। इसमें क्या होता है, फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या देखेंगे आप इसके अंदर, देखिए जब सेड या सेड टू या रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंजिंग होती है तो लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच when we transfer direct speech into indirect speech। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच। आप बात समझे, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। थोड़ा बोर्ड पर देखें, ध्यान दें। देखिए अब यहां पर हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, ये डायरेक्ट स्पीच की है। किसकी है, ये डायरेक्ट स्पीच की है। ओके, ये क्या क्या हो सकती है, या तो ये से हो सकता है, ठीक है, या ये से टू हो सकता है, ठीक, या ये सेज हो सकती है, या ये सेज टू हो सकती है, या ये सेड हो सकती है, या ये सेट टू हो सकती है। सामान्यतः ये देखने को मिलता है। इनके अलावा यदि कोई वर्ड लिखा होता है तो फिर वो चेंज नहीं होता, वही मीनिंग रहता है, ठीक। अब ये अगर दिया है इनको चेंज होना है, क्या होना है, इनको चेंज होना है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, उसके भाव के अनुसार। यहां पर क्या क्या हो सकता है ये आप यहां देखेंगे, ठीक है। यदि सेंस किसका है, सबसे पहले कॉमन सेंस बताएं किसका है, जैसे सपोज दैट करो, किसका सेंस है, आदेश का सेंस हो, किसका सेंस हो, आदेश का, ठीक। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से लेंगे, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, क्रम से चलेगा, ठीक है। फर्स्ट लिया, सपोज दैट करो कि यहां पर आदेश का सेंस है, किसका सेंस है, आदेश का। आदेश को हम कहते हैं ऑर्डर, क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आदेश है, ये देखिए इसमें यदि कोई एल्डर व्यक्ति है, क्या है, एल्डर, एल्डर का मतलब उम्र में बड़ा है, या सीनियर कहीं जॉब करते हैं वो पद में व्यक्ति बड़ा है, ठीक। यदि ये व्यक्ति किसी एल्डर का मतलब है यंगर से कुछ कहता है किसी कार्य के लिए, तो ये आदेश कर सकता है, क्या कर सकता है, आदेश। सीनियर व्यक्ति किससे करेगा, जूनियर से करेगा, किससे करेगा, जूनियर से आदेश करेगा। यदि ऐसा भाव दिया है, यदि ऐसा भाव दिया है तब आप से या सेज की जगह पर ऑर्डर लिख सकते हैं। यदि से होगा तो ऑर्डर करेंगे, सेज होगा तो
तो ओ आर डी ई आर एस ऑर्डर्स करेंगे, सेड होगा तो ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड करेंगे, क्या करेंगे ऑर्डर्ड करेंगे। 95 सेंटेंसेस में आपको सेड या सेड टू ही मिलेगा, ये रेयर केस में हो सकता है, लेकिन यदि है तो इसकी चेंजिंग इस प्रकार से होगी। अंडरस्टैंड बच्चों, समझे कि नहीं समझे, इस बात को क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या दे, प्रार्थना का भाव दे, किसका भाव दे, प्रार्थना का भाव दे, तो प्रार्थना को हम रिक्वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति तो हम क्या कहेंगे। और कैसे पहचान होगी, रिक्वेस्ट का मतलब है कोई व्यक्ति यंगर है, उम्र में छोटा है या पद में छोटा है, वो व्यक्ति यंगर व्यक्ति किससे, एल्डर से कोई बात कह रहा है, या जूनियर किसी सीनियर से बात कह रहा है, तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट का भाव रखेगा, या प्लीज वर्ड लिखा हो रिपोर्टेड स्पीच में, क्या लिखा हो प्लीज, या लिखा हो काइंडली, या लिखा हो सर, या लिखा हो मैडम, या लिखा हो मैडम, तो डेफिनेटली वो क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। यदि रिक्वेस्ट दी गई है तब हम सेड या सेड टू की जगह पर क्या करेंगे, तब हम करेंगे आर ई क्यू यू ई एस टी रिक्वेस्ट, क्या करेंगे रिक्वेस्ट से होगा तो सेज होगा, तो हम करेंगे आर ई क्यू यू ई एस टी एस रिक्वेस्ट करेंगे, सेड होगा तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको स्लैश कर लो, एक ही चीज होगी, रिक्वेस्टेड करेंगे, क्या करेंगे रिक्वेस्टेड करेंगे। ओके, ये चेंजिंग कब आएंगी, जब कोई सीनियर यानी जूनियर व्यक्ति सीनियर से कुछ कह रहा हो, यंगर एल्डर से कह रहा हो, या प्लीज काइंडली सर मैडम हो, तब हम से या सेज या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। लेकिन आप यहां देखें, यदि इसका भाव का मतलब यदि कोई डॉक्टर बात कर रहा हो, क्या कर रहा हो, किसी डॉक्टर की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो, डॉक्टर की यदि चर्चा है तो डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं करते हैं, डॉक्टर के लिए हमेशा हमें सेड या सेड टू की जगह पर एडवाइस, क्या है एडवाइस होता है, या एडवाइसेस या एडवाइज्ड का यूज करना चाहिए और हम करते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड, आई होप आप समझ गए होंगे, डॉक्टर है तो। नेक्स्ट चलें फोर्थ पॉइंट, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में किसी आर्मी या नेवी कहते हैं, या एयरफोर्स और एनी सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, अपने जूनियर को ऑर्डर नहीं करते, ये रिक्वेस्ट नहीं करते, कमांड करते हैं, तो क्या आएगा, कमांड्स आ सकता है, ठीक है, या कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड आ सकता है। ओके, तो हम इसको बॉक्स में कर सकते हैं,
यानी डियर चैंपियंस, यदि किसी फोर्स के अधिकारी कोई चर्चा कर रहे हैं या कोई बात कह रहे करने के लिए तो कमांड करते हैं, क्या करते हैं, कमांड करते हैं, और डॉक्टर एडवाइस करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस डॉक्टर के द्वारा की जाती है, डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, एडवाइस की जाती है डियर स्टूडेंट। ओके, अब हमारा देखिए यहां पर ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, एडवाइस हो गई, कमांड हो गई, ठीक। जब यदि हमें ये इसमें कंफर्म नहीं है, इससे आपको चिपकना नहीं है कि यहां पर यदि एल्डर यंगर से कह रहा है तो ऑर्डर ही होगा, कभी कभी वो एडवाइस भी हो जाती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको ऑर्डर करते हैं लेकिन कभी कभी वो हमको एडवाइस भी करते हैं, टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर करते हैं लेकिन कभी कभी एडवाइस भी करते हैं। यानी सेकंड इसका जो फेज है, इट इज ए फेज। ए फेज का मतलब बच्चों ये कि जनरल सेंस में ये चीज आपको दिखेंगी, लेकिन बी फेज क्या है इसका, बी फेज का आशय है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंस और भी सेंस देता है, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए, जैसे इससे सजेशन होता है तब हम एस यू जी जी ई एस टी सजेस्ट या एस यू जी जी ई एस टी एस सजेस्ट या एस यू जी जी ई एस टी डी सजेस्टेड, यानी जब जो सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस जब आपके लेट्स से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है, या जहां पर सुझाव की बात होती है वहां सजेस्ट का यूज होता है। इसका पैरेलल मीनिंग भी है प्रपोज, पी आर ओ पी ओ एस ई, प्रपोज किया, पी आर ओ पी ओ एस ई एस प्रपोजेस, पी आर ओ पी ओ एस ई प्रपोज्ड, यानी सजेस्ट लगाया, ये मीनिंग लगाए, एक ही बात है, हम एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करेंगे, अंडरस्टैंड। अब थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन वर्ड होता है इसका सेंस इम्प्लोर भी आता है, इम्प्लोर आई एम पी एल ओ आर ई, इम्प्लोर या लग सकता है आई एम पी एल ओ आर एस, इम्प्लोर्स या लग सकता है आई एम पी एल ओ आर ई डी, इम्प्लोर्ड क्या है, इम्प्लोर्ड वर्ड भी होता है। देखिए ये इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज आई ऑलवेज से, यानी कोई व्यक्ति आपसे एक रिक्वेस्ट होती है जैसे अरे भैया ऐसा करो प्लीज गिव मी योर पेन, अगर आप बैंक में खड़े हैं तो आपने भैया पेन दे रहा थोड़ा ये कर दिया आपने, अब साइन करने थे तो आपने प्लीज बोल के अपना काम चला लिया। यदि आप कहीं बाहर हैं और आपका सारा सामान चोरी हो गया है और आप पर इवन फेयर के लिए भी पैसे नहीं है, उस समय आप जो रिक्वेस्ट करेंगे उसे कहते हैं इम्प्लोर, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा करके रिक्वेस्ट करना, बहुत ज्यादा याचना करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लोर, क्या कहते हैं इम्प्लोर, इसको आप समझे विनती करना, याचना करना, क्या करना, याचना करना होता है, क्या होता है, याचना करना, विनती करना इम्प्लोर होता है, क्या होता है इम्प्लोर, जब उसका सेंस इम्प्लोर जैसा निकलेगा, यानी ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट बहुत ही डीपली की जा रही है, तो आपके देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये जनरल चीज है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तरफ चलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, आप जब ट्वेल्थ करके जाते हैं, ग्रेजुएशन करके जाते हैं, जब इन वर्ड से आप ज्यादातर फैमिलियर नहीं होते हैं माय डियर चैंपियंस, फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए आप इनसे फैमिलियर हों, इनसे परिचित हों, इन्हें अपनाएं, ये आपके अपने वर्ड हैं, कि हाँ ये आपके अपने वर्ड हैं, आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इसलिए जाने इम्प्लोर इम्प्लोर सेंड इम्प्लोर्ड। ओके, एक वर्ड होता है आपने देखा अर्ज करना, क्या करना होता है अर्ज करना, यू आर जी ई अर्ज,
U-R-G-E-S, urges, और urged, U-R-G-E-D, urged भी होता है। आप कहते हैं मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूं, I urge you to subscribe this channel and press bell icon so that you may receive the information about next video। तो अर्ज है, ये अर्ज नहीं है, ये अपील है। ओके, अर्ज होती है, आप जैसे कहते हैं I urge you to accept my this proposal, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। अर्ज मीन्स होता है करबद्ध निवेदन। क्या होता है? करबद्ध निवेदन होता है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। और एक वर्ड देखेंगे आप, परसुएड वर्ड होता है। क्या होता है? PERSUADE, परसुएड। पढ़ो स्पेलिंग, PERSUADE, परसुएड हो सकता है, PERSUADES, परसुएड्स हो सकता है, PERSUADED, परसुएडेड हो सकता है। अंडरस्टैंड? परसुएड बच्चा, परसुएड्स एंड परसुएडेड, ये सुना आपने? नहीं, इससे भी आप ज्यादा परिचित नहीं हैं। इसका मतलब होता है, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऐसी बात लिखी होती है, इसका मतलब होता बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना, किसी को बहला लिया, फुसला लिया, मना लिया, इसकी हिंदी होती है। क्या हिंदी होती है? बहलाना। क्या है? बहलाना, फुसलाना, फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, ठीक है, मनाना, मनाना, परसुएड करना, जब कोई रूठ जाता है ना तो उसको मनाते हैं, तो परसुएड करते हैं। इसका यदि सिनोनिम समझ आएंगे तो एल्यूर होता है। क्या होता है इसका मतलब? ALLURE, एल्यूर, एल्यूर करना। ये थोड़ा निगेटिव मीनिंग है। क्या है? निगेटिव मीनिंग है, क्योंकि जो जैसे जो फीमेल में कम एज के बच्चे होते हैं 16, 17, 18 ईयर्स के, उनसे आप मतलब कोई व्यक्ति इंटीमेसी की बात करके कहते हैं बहला लिया, फुसला लिया, उसमें कोई कॉमन सेंस अच्छी समझ नहीं थी, इसलिए वो आपके बहकावे में आ गया। किसमें आ गया? बहकावे में आना, यानी बहला लिया, फुसला लिया। बच्चों को, छोटे बच्चे नहीं होते हैं, कहते हैं कि लोग कोई ले जाएंगे, लो भैया टॉफी देंगे हम आपको, वहाँ आगे वाली शॉप पर हम आपको टॉयज दिलाएंगे, और बच्चा उसके साथ चला गया, तो उस व्यक्ति ने क्या कर दिया? बच्चे को परसुएड किया। क्या किया है? परसुएड किया है। बहलाना, फुसलाना, मनाना, एल्योर करना। क्या करना? एल्योर करना, ALLURE, एल्योर करना। ओके, ये भी आपको मिलेगा। क्या है? ये भी वर्ड आप से, सेज या सेड टू के स्थान पर हम इसको कर सकते हैं। एक होता है, एक वर्ड सुना हुआ आपने, फॉरबिड। क्या होता है? फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड्स होगा, FORBIDS, फॉरबिड्स। एक होगा फॉरबिड, क्या होगा? फॉरबिड, क्या होगा? फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। इसका यूज कॉमनली रेगुलर क्लास 10+2 के सिलेबस में नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। क्या वर्ड निकला आपका? फॉरबिड निकला। क्या निकला? फॉरबिड निकला। अभी आपको एक्चुअली ये इसमें फॉरबिड के बाद ये आप वीडियो को पॉज करें और यहां से आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करें। थोड़ा ऊपर की साइड मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए। आई होप कि आपने कर लिया होगा। यहां से, अरे यहां नहीं, इस जगह पर, ठीक है, इस ले लेते हैं। ओके, यस 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 यस। अब बात आती है यहां पर एक और चीज है, ठीक है, आप जरा इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, मुझे थोड़ा प्लीज अलाउ मी टू राइट हियर।
एक वर्ड होता है, जैसे हमने सीधा फॉरबिड मना करने का होता है, ऐसे हम एक चेतावनी का वर्ड होता है वॉर्न करना। क्या है? वॉर्न, WARN, वॉर्न्स, WARNED, वॉर्न्ड। ठीक, ये वर्ड भी से या सच के स्थान पर इनको यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल स्टूडेंट विल पे अटेंशन, ऑल स्टूडेंट विल पे अटेंशन, मेरे सभी बच्चे ध्यान देंगे। इंपोर्टेंट की पावर 10, ये आपने यूज कम देखा होगा। आस्क वर्ड का भी यूज होता है, ASKS आस्क एंड ASKED आस्क्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई एम आई टेलिंग यू? बिकॉज दिस रूल इज वेरी फेवरेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर। कॉम्पिटिशन में इस वर्ड का यूज बहुत होता है, क्योंकि हमने कॉमन रूल में क्या पढ़ा है?